सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें काफी शेयर की जा रही हैं। इन तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने एक ईसाई को मंदिर में पुजारी नियुक्त किया, जो मंदिर में दारू पी रहा है और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है। वायरल मैसेज में इस पुजारी का नाम थॉमस राजन बताया गया है। पत्रकार नंद गोपाल KM ने भी ये तस्वीर ट्वीट की। हालांकि उन्होंने पुजारी के ईसाई होने का कोई दावा नहीं किया है। शराब पी रहे इस पुजारी का एक वीडियो भी शेयर करते हुए यूजर्स यही दावा कर रहे हैं। जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इन दोनों तस्वीरों की असलियत कुछ और ही है। शराब पी रहे पुजारी का वीडियो साल 2017 में YouTube पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो में 38 सेकंड पर दिख रहा दृश्य वायरल तस्वीर से मेल खाता है। वीडियो में ये पुजारी अपना नाम शंकर बता रहा है। पेर सुन रहा कोयल पेर शंकर है बता दे कि तमिलनाडु में मंदिर हिंदू मंदिर मानव संसाधन और चैरिटेबल एंडोमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ऑल्ट न्यूज ने HRCE के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि मंदिर के पुजारी सहित वहां काम करने वाला स्टाफ एवं अधिकारी भी हिंदू समुदाय से ही है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर साल 2020 से इंटरनेट पर मौजूद है। इस तस्वीर के बारे में हम ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये दोनों तस्वीरें एक घटना से जुड़ी नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि पुरानी और असंबंधित घटनाओं की तस्वीरें शेयर करते हुए तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा गया और झूठा दावा किया गया कि तस्वीर में दिख रहा पुजारी ईसाई है।